बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज पलाव बना रही हूँ। देखिए, ये चिकन है, 1 किलो चिकन है। देखिए, 1 किलो बासमती चावल है, मैं भिगा ली 1 घंटा पहले। 1/4 किलो दही है। देखिए, 2 तेज पत्ता, 3 बड़ी इलायची, 6 से 10 बोले तो काली मिर्ची है, देखिए साबित, 1 स्टार है, 5 लौंग है, देखिए 5 छोटी इलायची हरी इलायची, 1 चमचा शाहजीरा है, 2 दालचीनी के चकले, टेस्ट पत्ता है देखिए 2, ये कबाब चीनी के, 1 3 कबाब चीनी है देखिए छोटे साइज के, 2 टमाटे, 1/4 किलो आलू, 1 पुदीने का कट्टा, 1 कोथमीर कट्टा, 1 नींबू, 2 चमचे अदरक लहसुन है देखिए, 2 प्याज को मैं कट कर ली, 1 10 बोले तो हरी मिर्ची है देखिए, इसको कट कर ली 10 हरी मिर्ची को, नमक तो अपने हिसाब से डाल लेना, 1 चमचा धनिया पाउडर, सौंफ को पीस ली देखिए बारीक को। आगे तक मेरा वीडियो देखिए। चूल्हा सिल गई मैं। चूल्हा सिलगा के भगोना रखी, भगोने के अंदर मैं तेल डाली 4 चमचे। 4 चमचे तेल डालने के इसमें 1/4 किलो आलू को कट कर ली मैं। तेज़ चूल्हा छह देखिए, तेज़ चूल्हे पे आलू लाल करके मैं निकाल ली, आलू लाल करके निकाल ली, ज़्यादा इसको लाल नहीं करी मैं। कई को बोले तो अपन जब चावल में डालते ना तो पूरे गल जाते, एकदम थोड़ा लाल करी मैं इसमें। वही तेल में खड़ा गर्म मसाला डाल ली मैं। खड़ा गर्म मसाला डाले बाद प्याज डाल ली, प्याज को अच्छा मिला ली मैं। ज़रा कच्ची हो गए बस इसके अंदर, अच्छा पूरा लाल नहीं कर रही मैं इसको प्याज को। अदरक लहसुन और प्याज दो भी मिलके लाल हो जाते हैं उन लगा, तो अदरक लहसुन डाल रही मैं। अदरक लहसुन और प्याज को तेज़ चूल्हे पे मिला रही मैं, कम से कम इसको 1-10 मिनट तो उसको अच्छा धीमे चूल्हे पे अच्छा मिला ली देखी मैं। पूरा अपने को आलू और बोले तो खड़ा गरम मसाला, वही 10 मिनट हो गए देखिए। 10 मिनट के बाद मैं हरी मिर्ची कट करके रख ली थी, 8 से 10 हरी मिर्ची है ये, मैं कट करके डाल ली। 1 किलो बासमती, 1 किलो चिकन में मैं 10 हरी मिर्ची डाल ली। अगर आप लोग कम खाए तो कम भी डाल सकते हैं इसके अंदर। तो इसको अच्छा मिला ली देखिए, मैं उसको कम चूल्हे पे मिला रही हूँ इसके अंदर। फिर बोले तो मैं धनिया पाउडर और बोले तो सौंफ का पाउडर, 1-1 चमचा चाय का चमचा रहता ना वो हिसाब से मैं डाल के मिला ले रही हूँ इसके अंदर। पूरे गरम मसाले, पूरा मसाला मैं खड़ा गरम मसाला, ये पूरे चीज़ें इसके अंदर ही डाल के पहले से मिला ले रही हूँ इसके अंदर। वो टमाटे है, टमाटों को और बोले तो पूरा प्याज को उसको अच्छा भून लेना उसको कम चूल्हे पे। तो नमक डाल रही हूँ देखिए, नमक बाद में से डाल रही मैं। तो नमक डाले बाद टमाटे और नमक अच्छा मिला लेना, 1-2 मिनट तो मिला रही हूँ देखिए मैं उसके अंदर कपगिर से। तो उसके अंदर दही घेट के डाल ले रही हूँ देखिए मैं, दही घेट के अच्छा उसको मिला लेना पूरा। तो आलू को देखिए अपन लगा साबित भी डाल सकते, अगर 2 छोटे छोटे आलू रहते ना तो साबित भी डाले तो बहुत अच्छे दिखते वो इसके अंदर। तो मैं 1-10 मिनट रख रही हूँ देखिए इसके अंदर। वो 10 मिनट के बाद थाली निकाली मैं, इसमें दही का पानी भी सूख गया और बोले तो टमाटे भी गल गए देखिए पूरा। तो इसको पूरा पानी सुखा ली मैं। अब चिकन धो के रख दी थी ना, डाल दे रही हूँ मैं चिकन को। तो चिकन देखिए अपन लोग इसमें सिरके में और बोले तो नमक में डाल के छोड़े तो बहुत अच्छा निकल जाता उसके अंदर से। तो 10 मिनट हो गए देखिए, 10 मिनट के बाद निकाल के बता रही हूँ मैं, पानी पूरा चिकन का छुड़ गया देखिए। ये सूखा हो गया बाद इसके अंदर अदरक डालती हूँ मैं। तो चिकन को देखिए अपन थोड़ा नमक डाल के, थोड़ा सिरका 1 चमचा डाले तो बहुत पूरा 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 लाल लाल पूरा पानी चले जाता उसके अंदर। ये देखिए पूरा सूखा कर ली मैं इसके अंदर। सूखा कर ले के ये हिसाब का करी देखी मैं इसके अंदर। पुदीना भी और बोले तो कोथमीर 1 कट्टा, पुदीना 1 कट्टा। बहुत जने क्या करते, वाइट पलों में कोथमीर पुदीने का इस्तेमाल नहीं करते। हम हैदराबादी है ना, तो हरा मसाला खाए तक हम लोगों को पेट में नहीं जाता, कहीं में ना कहीं में हरा मसाला होना च होना। तो ये देखिए अब ये हिसाब से मैं क्या करी, उसको पूरा सूखा कर दी देखिए उसको। तो सूखा करके ये देखिए पूरा चिकन का भी पानी सूख गया और बोले तो पूरा टमाटों का भी पानी सूख गया। तो मैं इसमें 3 गिलास चावल अगर है तो मैं बराबर को बराबर पानी डालती हूँ देखिए, 3 गिलास को 3 गिलास डालती हूँ। अगर अपने को चावल ऐसा वैसा अगर रहा तो उसमें थोड़ा पानी बढ़ के डालती हूँ देखिए मैं। तो बराबर हो गया देखिए। तो मैं इसमें क्या है, चावल पूरा अपने को चावल कच्चा भी अगर ऐसा रहा ना तो पूरा अपने को ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती देखिए अपन लोगों को। तो उसमें थोड़ा पानी डालती हूँ मैं, भगोने में इजाफा होगा देखिए। चावल फैल गए तो मैं दूसरे भगोने में नहीं डाली, इसके अंदर ही डाली। 1 नींबू का जूस ऊपर से डाली देखिए। तो ये पूरा अगर ज़्यादा दूसरे बड़े भगोने में पकाना बोल को बोले तो मैं नहीं चेंज करी, इसके अंदर ही ज़बरदस्त दिख रहा बोल के। तो मैं 1-10 मिनट पूरा दम दे के निकाली देखिए। 10 मिनट के बाद निकाल के बता रही हूँ मैं दम, एक पूरा कम चूल्हे पर।
तो ये देखिए खुला खुला होगा देखिए पूरा, तो 30 मिनट में पूरा व्हाइट पलाव बन के निकल गया देखिए पूरा। तो ये देखिए जैसा दिख रहा ना, ये खाने के वास्ते भी वैसे बहुत मज़े का जो मसाले में डाली ना, बहुत मज़े का, बहुत टेस्ट, बहुत ज़बरदस्त होता है। देखिए आप लोग भी बना के देखिए, मैं प्लेट में निकाल के बता रही हूँ। ऐसा खुला खुला चिकन भी पूरा गल गया देखिए। आलू तो मैं तली भी थी, उसके अंदर दम पे मैं डाल के छोड़ दी थी ना आलू। तो अगर अपन छोटे आलू डालते ना तो अपने को आलू खाने में मिलता ही नहीं उसको, तो छोटे साइज के रहे तो साबित भी डाल सकते वैसे छिलटा निकाल देखे। तो मज़े का बहुत टेस्ट, बहुत ज़बरदस्त होता है। देखिए देखिए मैं आपको आलू तोड़ के बताई ना, तो अब चिकन भी तोड़ के बता रही हूँ। देखिए देखिए लाइक और शेयर करिए पराना कुकिंग को।